एक और देश और प्रदेश में महिला सुरक्षा, महिला जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर महिलाओं के सम्मान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, मगर वहीं उमरिया में एक महिला को कुछ राजस्व के अधिकारियों के द्वारा शराब के नशे में धुत होकर अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके घर में पत्थरबाजी करते हुए घर में घुसने का प्रयास किया गया। महिला के हल्ला मचाने के बाद आसपास के लोगों ने महिला को बचाया, तो वहीं उमरिया पुलिस ने अपना जोहर दिखाते हुए महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अभी जांच किए जाने की बात कही जा रही है। मामला उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के अमरपुर चौकी के ग्राम चिल्हारी का है, जहां पर एक महिला अपने बच्चों के साथ अकेली अपने घर पर सो रही थी। तभी महिला के घर के सामने बने पटवारी और RI कार्यालय से शराब के नशे में धुत होकर महिला के घर में घुसने का प्रयास किया और पत्थर भी घर पर बरसाए गए, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया और तब उसकी जान आसपास के लोगों ने बचाई। मगर सुबह होते ही महिला के घर SDM तहसीलदार अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचकर महिला को डरा धमका दिया और थाने पहुंचकर महिला सहित 8 अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराते हुए SDSC का मुकदमा भी बना दिया गया। अब महिला कहीं थाने तो कहीं पुलिस के चक्कर काट रही है। अब वहीं उमरिया पुलिस ने अपनी कारगुजारी पर परिचय देते हुए महिला एवं 8 अन्य लोगों के ऊपर SC ST व शासकीय कार्य में व्यवधान की धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। गौरतलब है कि घटना रात में घटी और सुबह महिला अपने भाई के साथ अमरपुर चौकी में रिपोर्ट करने गई, तो रिपोर्ट न लिखकर उससे एक आवेदन लिया गया और शाम को RI द्वारा FIR करवा दी गई और पीड़िता के साथ अन्य 8 लोगों के ऊपर मामला बना दिया गया, जहां पर उन्हें आरोपी बनाया गया है, जबकि कुछ लोग वहां थे ही नहीं। अब ऐसे मामले में उच्च अधिकारियों को निष्पक्ष जाँच कर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? संगीता साहू। क्या नाम है आपका? संगीता साहू। कहाँ की? चिल्हारी की। क्या घटना घटी आपके साथ? सर, मैं रात में बच्चों को लेकर 10:30 बजे सो रही थी, गहरी नींद पे थी। वो कार्यालय के RI पटवारी आए, ठीक है ना, मेरे दरवाजे खुलवाए, मैं सोची कुछ काम है, मैं खोल दी, वो बदतमीजी करने लगे, शराब पी के आए, ठीक है ना। मैं बाहर भागी, मोहल्ले वालों को आवाज़ लगाई, ठीक, और जब तक मैं दौड़ के आई वो बाहर निकल गए, छिप गए। फिर हम लोग चारों तरफ से घेर लिए, फिर उनको पकड़े, वो दरवाजे के अंदर घुस गए और बंद कर ली। पुलिस के आने पर वो बहुत देर में दरवाज़ा खोले, ठीक है, हमने 100 नंबर को फ़ोन भी किया, फिर पुलिस आई, फिर उसने दरवाज़ा खोला और हम फिर वैसे समझा के चले गए, हमने कुछ नहीं किया। फिर सुबह हमको डरवाया गया कि आप कोई रिपोर्ट ना करिए, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ जाके चौकी में बताए, बस हमको लिखित प्रमाण दे गए, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति बाहर रहते हैं सर। आप घर में अकेले रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ 2 बच्चों को लेके। मेरे अगल बगल सर पंडित जी रहते हैं, हाँ उन्हीं लोग मदद की, पीछे साइड थे वो भी, मोहल्ले वाले मदद की। उनका कार्यालय मेरे घर के सामने है सर। इस तरह की घटना है, कितने दिवस राजस्व निरीक्षक कार्यालय में अंदर जी के मार्फ की घटना हुई थी, इस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा थाने की रिपोर्ट की थी। थाने पर जो है 305 अपराध क्रमांक एवं 353 और 452 अनुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मामला जो सामने में आया था ये था कि राजस्व निरीक्षक का जो चिल्हारी का कार्यालय है, उसके पीछे की जो शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक ने नोटिस जारी किया था, उसी से शायद लोग नाराज थे और ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और प्रकरण की योजना जारी है, जिसमें कुल्लू एवं अन्य 7 लोगों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया। महिला की जो सूचना दी थी उस पर भी शिकायत दर्ज जो है गंभीरतापूर्वक की जा रही है और विवेचना में सारी ही बात का खुलासा करेंगे कि वास्तविक बात क्या थी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें अगर कोई कार्रवाई होगी तो ठोस वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।